पौराणिक कथा के अनुसार भारतीय महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि करवा चौथ के दिन जिसकी पूजा करते हैं, आखिर वो करवा माता कौन है और किस तरह से उनके नाम पर करवा चौथ की शुरुआत हुई? आइए जानते हैं इसके पीछे की धार्मिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में करवा नाम की पतिव्रत स्त्री थी। उसका पति काफी उम्र दराज था। एक दिन वह नदी में स्नान करने गया तो नहाते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया, निगलने के लिए खींचने लगा। उसने चिल्लाकर अपनी पत्नी करवा को बुलाया और सहायता के लिए कहने लगा। करवा बहुत पतिव्रता थी, जिससे उसकी सतीत्व में काफी बल था। करवा नदी के तट पर अपने पति के पास पहुंचकर सूती साड़ी से धागा निकालकर अपने तपोबल के माध्यम से उस मगरमच्छ को बांध दिया। सूत के धागे से बांधकर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा कि देवी आप यह क्या कर रही हैं और अब क्या चाहती हैं? करवा ने यमराज से कहा कि इस मगर ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया था, इसलिए आप अपनी शक्ति से इसके मृत्यु दंड दें और इसे नरक में ले जाएं। यमराज ने करवा से कहा कि अभी इस मगर की आयु शेष है, इसलिए वह समय से पहले मगर को मृत्यु नहीं दे सकते। इस पर करवा ने कहा कि अगर आप मगर को मारकर मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल के माध्यम से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर यमराज के पास खड़े चित्तगुप्त सोच में पड़ गए, क्योंकि करवा के सतीत्व के कारण न तो वह उसको शाप दे सकते थे और न ही उसके वचन को अनदेखा कर सकते थे। तब उन्होंने मगर को यमलोक भेज दिया और उसके पति को चिरायु का आशीर्वाद दे दिया। साथ ही चित्रगुप्त ने करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरपूर होगा।